हेलो माय फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब लोग। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ राजमा चावल। बहुत ही आसान रेसिपी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलना। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एक कढ़ाई में मीडियम आंच पर 4 टेबलस्पून तेल गरम कर दे। तेल गरम हो जाए उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 हरी इलायची, 1 इंच दालचीनी, 1 तेज पत्ता और थोड़ा सा जीरा डाल के 30 सेकंड जितना हम भून लेंगे। अब हम उसके अंदर अदरक लहसुन एंड हरी मिर्च की पेस्ट डाल देंगे और उसको हम मीडियम आंच पे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। अब ये सब कुछ अच्छे से भून जाए उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 कटा हुआ प्याज डाल दिया है और प्याज को हम 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम आंच पे हल्का गुलाबी होने तक अच्छे से भून लेंगे। तो प्याज अच्छे से भून गया है तो अब हम उसके अंदर 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला एंड स्वाद के अनुसार थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद हम उसके अंदर 1/2 कप जितना पानी डाल देंगे ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जल ना जाए। अब ये सारे मसाले को 1 मिनट के लिए मीडियम आंच पे हम अच्छे से भून लेंगे। अब हम उसके अंदर टमाटर की पेस्ट डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 टमाटर की पेस्ट बनाई थी और ये सब कुछ अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अब हम इसके अंदर उबले हुए राजमा डाल देंगे। राजमा की सब्जी प्रोटीन से भरपूर और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। अब राजमा एंड सारे मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ये सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद उसके अंदर हम 1/2 ग्लास जितना पानी ऐड कर देंगे। अब ये सब कुछ अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स हो जाए उसके बाद उसको हम 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम आंच पे ढक के रख देंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारी राजमा की ग्रेवी भी अच्छे से बन के रेडी हो गई है। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा गाढ़ी करनी है तो आप थोड़े राजमा को मैश कर देंगे। अब हम उसके ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। एंड अब फाइनली आप देख सकते हो कि हमारी राजमा की सब्जी बनके रेडी हो गई है। तो अब हम बनाएंगे चावल। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून जितना घी ले लिया है। आप चाहे तो ऑयल भी ले सकते हो। और घी गरम हो जाए उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 इंच दालचीनी, 1 तेज पत्ता एंड 1/2 चम्मच जीरा डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे। अब आप देख सकते हो कि जीरे का कलर चेंज हो गया है तो उसके अंदर हम चावल डाल देंगे। यहाँ पे मैंने बासमती चावल यूज़ किए हैं और इसको मैंने 10 मिनट से पहले भिगो के रख दिया था। अब उसके अंदर हम थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और 2 ग्लास जितना पानी ऐड कर देंगे। अगर आप कुकर में बना रहे हो तो हम उसके अंदर 1.5 ग्लास जितना पानी ऐड करेंगे। अब हम चावल को 5 से 6 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकने देंगे। तो फाइनली देख सकते हो कि हमारे चावल बन गए हैं। तो अब हम उसके ऊपर हरा धनिया डाल देंगे। अब हम हमारे राजमा चावल को सर्व कर देंगे।